इट मीन्स और सभी एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, 92 एलिमेंट की बात बोले थे ना, तो 92 एलिमेंट है। जैसे देखो बाबू, हम कैसे कहेंगे कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो एक्सपेरिमेंट वन देखिए, एक्सपेरिमेंट वन देखिए। देखिए बाबू, हम मेटल एक ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका क्या है, क्लैंप है। ये क्या है बाबू, क्लैंप है। क्या क्लैंप है? क्लैंप पर क्या है बाबू, मेटल का एक रॉड फिक्स किया जाता है, मेटल का एक रॉड को फिक्स किया जाता है बाबू। मेटल का रॉड। अब बताइए यहां पे क्या किया जाता है बाबू, एक बर्नर लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है? बर्नर लगाया जाता है। ये आपका बर्नर है बाबू। बर्नर से क्या होता है, हीट कंडक्ट होगा। ये बर्नर करेगा क्या बाबू, इससे फ्लेम आएगा ना, फ्लेम आएगा। इस पे क्या लगा देते हैं बाबू, देखो इस पे बैक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बैक्स, ये बैक्स लगा देते हैं। ये बैक्स है बाबू, क्या है, मोम जिसको कहते हैं, क्या है, बैक्स है। लिख लीजिएगा, अगर ये क्या अच्छी का रॉड लगा दिया बाबू, कुछ भी का, ये आयरन का रॉड है, कुछ भी का रॉड लो, ले लोगे, आयरन का ले लो, चाहे सिल्वर का ले लो, चाहे गोल्ड का ले लो, किसी का भी रॉड ले लो। अब बताओ बाबू, हम क्या कर रहे हैं, इस एंड पे क्या कर रहे हैं, रॉड को हिट कर रहे हैं, और बर्नर यहाँ पे क्या कर रहा है, जब बर्नर के थ्रू जो रॉड को जब हिट करते हैं, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैक्स मिल्ट करता है, सेकंड बैक्स मिल्ट करता है, एंड अगेन थर्ड बैक्स भी क्या कर जाता है, मिल्ट करता है। कब, जब हम हीट को प्रोवाइड करेंगे तो बैक्स क्या करने लगता है, मेल्ट करने लगता है। इट मींस हीट क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वन इंड टू अनदर इंड। हीट क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, हीट क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, जिसके कारण बैक्स क्या कर रहा है, आपका मेल्ट कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है, मेल्ट। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ कि नहीं हुआ बाबू, ये मेटल क्या कर रहे हैं, हीट को भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो देखिए बाबू, पॉइंट देख के लिख लीजिए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑल। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अमंग ऑल एलिमेंट, अमंग ऑल एलिमेंट सिल्वर क्या है, बेस्ट है। उसके बाद क्या, किसकी बारी आती है बाबू, देखो लीड एंड मरकरी, लीड एंड मरकरी इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑल एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट है बाबू, उसमें लीड और मरकरी क्या है, सबसे ज्यादा
लिस्ट हिट को कंडक्ट करता है। सबसे लिस्ट में क्या आता है, लेकिन लीड और मरकरी में भी, बाबू लीड और मरकरी में भी मरकरी जो होता है मैक्सिमम लिस्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मरकरी इज द मैक्सिमम मैक्सिमम लिस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मैक्सिमम लिस्ट कंडक्टर ऑफ मरकरी सबसे कम हीट को कंडक्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बाबू एक्सपेरिमेंट नंबर टू। एक्सपेरिमेंट नंबर टू में क्या है बाबू, देखिए बाबू एक्सपेरिमेंट टू में क्या है, ये तो आपको हीट के बारे में बतला है, तो आप एक्सपेरिमेंट टू में क्या बताएंगे। एक्सपेरिमेंट टू में क्या बतलाएंगे बाबू, ध्यान दीजिए, हम एक बल्ब लेते हैं बाबू, एक बल्ब ले लेते हैं, तो दिक्कत और छोटा बल्ब ले लेते हैं, और बल्ब को क्या करते हैं, वायर के थ्रू सेल से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं, सेल से कनेक्ट कर देते हैं। जब सेल से कनेक्ट कर देंगे बल्ब को बाबू, तो देखो क्या होता है, और यहां पे देखो एक क्लैंप लगा देते हैं, मेटल का क्लैंप, ये बार है बाबू, यहां सेल से क्या हो रहा है, करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा ये जो हम क्लैंप यहाँ पे मेटल का एक सीट को रख देते हैं, मेटल को, तो मेटल में क्या रख देते हैं, मान लो कि आयरन रख देते हैं या कॉपर ही रख दो, आयरन कॉपर गोल्ड कुछ ही रख दो ना, चलो आयरन नहीं रख देते, आयरन का मेटल लगाते हैं बाबू, तो क्या देखते हैं, बल्ब ग्लो कर जाता है, बल्ब क्या कर जाता है बाबू, ग्लो कर जाता है। सेकंड में क्या करते हैं बाबू, एक और बल्ब लेते हैं बाबू, और इस बल्ब को भी क्या करते हैं, सेल से कनेक्ट कर देते हैं, इस बल्ब को भी क्या करते हैं, सेल से कनेक्ट कर देते हैं। जब सेल से कनेक्ट करते हैं बाबू, और यहां क्लैंप पे हम क्या लगा देते हैं, ये सेल हो गया बाबू, यहां पे सल्फर लगा देते हैं, तो क्या देखते हैं, जब इस क्लैंप पे इस एंड पे सल्फर नॉन मेटल को जब क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं बाबू, तो क्या देखते हैं कि ये बर्न नहीं करता है, ये जो बल्ब होता है ये ग्लो नहीं करता है। तो अगर ये ग्लो नहीं करता है बाबू, इसका मतलब क्या है, ये नॉन मेटल है, जिससे क्या हुआ, सेल तो कनेक्ट किए लेकिन करंट पास नहीं किया, कुछ भी का लगा दोगे, सल्फर का लगा, चाहे कार्बन का लगा दो, तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्चुअली करवाएंगे कहां, जब नॉन मेटल पढ़ाएंगे तो क्या हुआ, यहां बल्ब ग्लो कर गया ना, तो जब हम कॉपर का दे दिए सेल लगा दिए, तो क्या हो गया, आपका हीट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बाबू पॉइंट देके लिखिए, सिल्वर इज द मेटल
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वालू। सिल्वर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन बाबू एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ग्रेफाइट एक्सेप्शन में लिख लेना बाबू, एक्सेप्शन में लिख लेना, ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। किसका फॉर्म होता है बाबू? फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन का फॉर्म है। इज द गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चले बाबू चौथा लिख लीजिए प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज शाइनी या इट इज लस्टर, इसी को क्या कहा जाते हैं? ब्रैकेट में शाइनी लिख लीजिए या शाइनी। मेटल क्या होता है बाबू? शाइन देता है, चमकता है, शाइनिंग देता है। क्या होता है? जैसे गोल्ड हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या होते हैं? साइन करते हैं। क्या करते हैं? साइन होता है। तो एक्सेप्शन में लिख लेना एक्सेप्शन में नॉन मेटल अभी बाबू आयोडीन आता है, आयोडीन। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है बट ये भी साइनिंग करता है। क्या करता है? ये भी साइनिंग करता है। एक्सेप्शन केस हुआ बाबू। जिस तरीके से ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसी तरीके से आयोडीन क्या होता है? नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है? साइनिंग देता है, साइन देता है। क्या देता है बाबू? साइन। जैसे देखो बाबू क्यों, रीजन क्या है, एक चीज और बताते हैं। लिख लीजिए बाबू, अगर आप मेटल को एक चीज और याद रखिएगा। मान लो कि एक गोल्ड का क्वाइन लिए बाबू, ये क्या लिए? गोल्ड का क्वाइन ले लेते हैं, इसको हम कलरिंग कर देते हैं। अभी कलर कर लीजिएगा, ये डल है, ये डल है। डल का मतलब इसमें साइनिंग नहीं है, लेकिन इस साइड जो है ये साइनिंग है। रीजन क्या है बाबू? कि वन पार्ट साइनिंग होता है, वन पार्ट साइनिंग नहीं होता। तो रीजन क्या होता है? कभी कभी गोल्ड मान लो कि हम कुछ दिनों तक क्या कर देते हैं? एयर में छोड़ देते हैं। कहां छोड़ देते हैं? एयर में, लॉन्ग टाइम तक। तो देखो मेटल को जब एयर में क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो एयर में क्या प्रेजेंट होता है? O2 प्रेजेंट होता है, CO2 प्रेजेंट होता है, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। और ये स्लोली क्या करता है? ये जो मेटल है एयर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्साइड या कार्बोनेट का लेयर बनाता है। क्या बनाता है? ETC कर दीजिए, या तो ऑक्साइड या कार्बोनेट का कॉइन के ऊपर क्या हो जाते हैं? मान लो कि सिल्वर कॉइन है बाबू, तो देखो इसके ऊपर क्या हो जाता है? ऑक्साइड या कार्बोनेट का लेयर आ जाता है, जिसके कारण ये डल अपीयरेंस दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है? डल, यानी चमक क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। तो लिख लीजिए मेटल लूज दियर साइन, लूज दियर साइन
इट केप्ट इन ए लॉन्ग टाइम केप्ट इन सॉरी केप्ट इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर एयर में लॉन्ग टाइम के लिए क्या किया जाता है, अगर मेटल को रखा जाता है लॉन्ग टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या फॉर्म होता है बाबू, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड कॉमा कार्बोनेट, ऑक्साइड का लेयर और कार्बोनेट का लेयर आ जाता है ऑन दियर सरफेस, उनके सरफेस पर बाबू, उनके सरफेस पर क्या आते हैं ऑक्साइड और कार्बोनेट का, बाय स्लो प्रोसेस ऑफ स्लो रिएक्शन विथ गैसेज इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है बाबू उसके साथ क्या करते हैं, स्लो रिएक्शन करते हैं। चलिए बाबू, इसी कारण है कि लॉन्ग टाइम तक रख देने के बाद वो क्या होता है, डल अपीयरेंस होता है कोई भी मेटल को जो शाइनिंग देता है, खाली गोल्ड ही नहीं सिल्वर ही नहीं कोई भी मेटल को जो लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं रखते हैं तो क्या देता है बाबू, वो डल अपीयरेंस देता है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टी था बाबू, फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी होगा, मेटल्स आर जनरली इन ग्रे कलर, मेटल्स जनरली ग्रे कलर में पाए जाते हैं बाबू, एक्सेप्ट एक्सेप्ट गोल्ड, गोल्ड का कलर येलो होता है बाबू, और कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश होता है, यानी रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है, रेड कलर का होता है बाबू, तो कॉपर रेडिश होता है गोल्ड येलो होता है, याद रखिएगा ये एक्सेप्शन केस है बाबू। अब देखो बाबू गोल्ड होता क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब बाबू डेट इज हैवी वेट, वेट ज्यादा होता है बाबू, हैवी वेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बाबू, हैवी वेट, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू इनका डेंसिटी भी हाई होता है, इट हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स डेट इज मास, इनका मास भी ज्यादा होता है बाबू मेटल का, ये क्या होते हैं मेटल्स को, जब क्या मेटल्स को होता है इट इज सोनरस, सोनरस का मतलब क्या होता है बाबू, डेट इज दे प्रोड्यूस साउंड, ये क्या करते हैं बाबू साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कोई दिक्कत।
नहीं। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या बाबू? इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं बाबू? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी क्या होता है बाबू? विच इज लिक्विड। ये क्या होते हैं? लिक्विड में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए टेंथ प्रॉपर्टी क्या है? ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बाबू? हाई होता है। यानी मेटल हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं? जैसे बाबू आपका मिनिमम आपका जो आयरन होता है 1500 डिग्री 1535 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। डायमंड वगैरह ठको 3500 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड किया जाता है मेल्ट करने के लिए। तो मेटल क्या होता है बाबू? इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है।